Newton's laws of motion ka numerical 38. The monkey B is holding on the tail of monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkeys A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? G hame use karna hai 10 meter per second square. वैसे हम G की value 10 ही रहते हैं. तो यहाँ पे system इस तरह से होगी. एक को एक rigid support, उसे एक स्ट्रिंग लटकाई हुई, से एक मंकी ए होगा जिसका 5 केजी मास, और इसके टेल को मंकी बी होगा जिसका मास होगा 2 केजी. अब इस मंकी को ऊपर जाना, इस रोप को फोर्स अप्लाई करेगा और ऊपर की डायरेक्शन में चलेगा, मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा और उस एक्सेलरेशन के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्लो फोर्स एक्ट हो जाएगा. और इसका वेट अभी इसके साथ ये भी ऊपर चलेगा उतने ही एक्सेलरेशन से, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. इसका मतलब ये दोनों का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, मतलब ये जितने एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा ये भी उतने एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा. तो और इसने इसके टेल को पकड़ के रखा है, मतलब इस टेल पर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, उसे हमने टेंशन बोला है. तो एक कितना टेंशन आ जाएगा, इस मंकी का वेट जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी प्लस ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे हमने इलेवेटर के न्यूमेरिकल किए थे वैसे एक स्लो फोर्स पे एक्ट होगा एम ए. तो इनका जो फोर्स होगा वो फोर्स इतना नहीं होना चाहिए कि 30 से ज्यादा, क्योंकि इस टेल पर ज्यादा से ज्यादा 30 न्यूटन इतना ही फोर्स वो टॉलरेट कर सकता है. इसका मतलब एम जी जो होगा इसका वेट वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. रही बात स्लो फोर्स की, तो स्लो फोर्स किस पर डिपेंड रहेगा, मास भी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन पर, मतलब उसे इतने ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जाना है कि वो ये जो फोर्स होगा, मतलब ए फोर्स टी इज इक्वल टू वो 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इक्वल टू 30 या लेस देन 30 ही होना चाहिए. तो वो कैसे रहेगा, इस एक्सेलरेशन पे डिपेंड, इस एक्सेलरेशन पे डिपेंड, मतलब ये जो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है उसे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो फोर्स इज इक्वल टू जो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन इतना नहीं होना चाहिए कि स्लो फोर्स बढ़ेगा, मतलब उसे जितने फोर्स से ऊपर चढ़ना है वो फोर्स एक लिमिट तक ही अप्लाई करना पड़ेगा. तो वो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे मतलब टेंशन यहाँ पे 30 न्यूटन ये दिया हुआ है. तो देखो इसकी अगर एफबीडी निकालते हैं हम, इसकी एफबीडी, इस मंकी की एफबीडी, तो ये जो मंकी होगा यहाँ पे इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है एम जी, और अपवर्ड वो इससे टेल पर टेंशन आ जाएगा टी, और ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है. तो इसका मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में इसके साथ ये जा रहा है एक्सेलरेशन ए से. तो ये टी माइनस एम जी इतना रिजल्टेंट फोर्स टेल पर लगेगा, और ए मास इंटू एक्सेलरेशन ये हमें इक्वेशन मिलेगा. मतलब टी कितना आ रहा है, तो ए एम जी उस साइड जाने के बाद इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो जैसे हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल सोच के एक इक्वेशन बनाया था टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, यही हमें एफ बी डी से इक्वेशन मिल गया है. तो यहाँ पे टी हम ज्यादा से ज्यादा 30 न्यूटन इतना ही उसकी कैपेसिटी है, और एम जी तो इसका वेट होगा इस मंकी का, और इसका वेट है 2 × 10 मतलब 20 प्लस मास कितना है इसका, इसका मास है 2, और ये एक्सेलरेशन मतलब ये आएगा 10 इज इक्वल टू 2a, मतलब एक्सेलरेशन आएगा 5 m/s². मतलब ए मंकी 5 m/s एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और ये नहीं जा रहा है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, मतलब ये दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ये जो जा रहा है ये जाएगा 5 m/s² से, मतलब एक्सेलरेशन तो मिल रहा है हमें 5 m/s से उसे जाना है. तो इस पर टेंशन कितना लगेगा, मतलब ये यहाँ पे टेंशन कितना अप्लाई करेगा, ये हम इसकी एफबीडी निकाल के फाइंड कर सकते हैं. तो अभी इसकी एफबीडी मतलब एफबीडी ऑफ ए, तो ए मंकी ए होगा, और यहाँ पे जो टेंशन अप्लाई करेगा वो टी वन, क्योंकि हमने यहाँ पे टी लिया था, तो ये टी वन टेंशन, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम ए जी, और ये जो यहाँ पे ऊपर जा रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे टेंशन टी आ रहा है, स्ट्रिंग पर टेंशन टी आ रहा है, तो ए टी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, टी वन, और ये माइनस करेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स, कौन कौन सा है एम ए जी, और ये माइनस होगा टी, और इज इक्वल टू मास ऑफ मंकी ए का इनटू एक्सेलरेशन. तो इसमें वैल्यू पुट करते तो हमें टी वन मिलेगा, टी वन इज इक्वल टू उस साइड में चले जाएंगे, तो
यहाँ पे एम ए जी प्लस टी प्लस एम ए ए, तो m की वैल्यू है यहाँ पे 5 इंटू 8 10 लिया तो ये होगा 50 प्लस इट मैक्सिमम टेंशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, मतलब ये मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे हमें दिया है न्यूमेरिकल में 30 प्लस ये जो मास है 5 और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया था ये 5 मतलब ये 25 तो T1 यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन आ जाएगा 105 न्यूटन, इतना यहाँ पे टेंशन आ जाएगा।